स्वागत है दोस्तों आप सभी का अन अकेडमी बीपीएससी में। जी हां दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा 2019-20 की बात अगर हम करें तो दोस्तों यहां पर ESI की एग्जाम डेट घोषित हो गई है, यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की। जी हां दोस्तों, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की एग्जाम डेट यहां पर जो है आप लोगों को घोषित कर दिया गया है। इसकी एग्जाम कब से होगी इसके बारे में पूरे ऑफिशियल अपडेट के साथ आप लोगों को बताएंगे। जी हां दोस्तों, ये अपडेट अभी तुरंत ही निकल के आई है जो कि आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ यहां जानकारी दे दूं कि अगर इस वीडियो को लाइक नहीं है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए, गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए अनअकैडमी बीपीएससी को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं एक छोटा सा सवाल यहां पर पूछना चाहता हूं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। दोस्तों बिहार में हो रहे एग्जामिनेशन की परिस्थितियों को देख करके आपको बस अपना राय यहां बताना है कि आप बिहार में परीक्षा की स्थिति से संतुष्ट हैं। अगर यस तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा, नहीं तो नो टाइप कीजिएगा। अभी देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो भी परीक्षाएं हो रही है उसकी पेपर लीक हो रही है, या तो पेपर कैंसिल हो जा रही है या तो रिजल्ट ही जल्दी से जारी नहीं किया जा रहा है। यानी कि एक भी ऐसी परीक्षा बिहार सरकार के अंदर बिना कदाचार युक्त परीक्षा नहीं हो पा रही है। कभी पेपर आउट, कभी पेपर लीक, इन सारे चीजों को लेकर के आप अपनी राय यहां पर रखिएगा कि आप बिहार में परीक्षा स्थिति से संतुष्ट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के। अब अपना राय जरूर दीजिएगा, ये काफी ज्यादा लोगों के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। अगर आपने ESI का फॉर्म भरा है तो आप लोगों की क्लासेस अनअकैडमी के ऊपर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कुछ क्लासेस जो है ऑलरेडी चल रही है, SI मेंस की क्लासेस चल रही है जो कि आपकी एनफोर्समेंट की क्लासेस के लिए काफी ज्यादा मददगार होगा। जी दोस्तों, ये पूरी क्लासेस आप लोगों को ₹140 मिलेगी एक महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ। जी हां दोस्तों, इस कोर्सेज की कीमत ₹1400 है। अगर आप ESI की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के ऊपर ऑलरेडी आपको SI की क्लासेस जो है ऑलरेडी चल रही है, मेंस की तैयारी चल रही है, कुछ कोर्सेज आपको SI की बन भी चुकी है, उनको आप देख करके आप अपने एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये दोस्तों, ये 1400 की कोर्सेज 140 में कैसे करना है, जब आप अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करोगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से उसे इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों बीपीएससी को आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और जब सब्सक्रिप्शन लेने जाइएगा वहां पर रेफर कोड में AK इंडिया को अप्लाई कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि दोस्तों जो 1400 की कोर्सेज होगी आपको 140 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप आसानी से इसे बाय कर लीजिएगा। आप लोगों को यहां बताना चाहता हूं, जो एनफोर्समेंट की भर्ती आई थी दोस्तों उसके लिए लगभग 2 लाख से ज्यादा फॉर्म यहां पर जो है अप्लाई हो चुके हैं। अब इनकी एग्जाम कब तक होगी इसके बारे में आप लोगों को बता दें ताकि आप लोगों को ना लगे कि कोई फेक जानकारी मैं आप लोगों के साथ यहां पर जो है वो शेयर कर रहा हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये दैनिक जागरण की न्यूज यहां से निकल के आई है और 1 फरवरी 2020 10:26 यानी कि अभी से लगभग 2-4 घंटे पहले आप लोगों की ये अपडेट जो है निकल के आई है। और अभी बज रहे टोटल 11:30। जब मैं आप लोगों को अपडेट बता रहा हूं यहां पर दोस्तों, बीपीएससी बिहार पुलिस SI रिजल्ट को लेकर के कट ऑफ को ले फैलाया जा रहा है भ्रम, अप्रैल मई में होगी मुख्य परीक्षा। ये मेंस की बात किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों इसी अपडेट में आप लोगों को इसके बारे में भी अपडेट जो है वो दिया गया है। आप लोगों को मैं यहां बता दूं, इसका लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यहां से भी आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप यहां पर हेडलाइन में इनका पढ़ोगे, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पहले पैराग्राफ में ही कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा 2446 पदों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा अप्रैल में अंतिम या मई के प्रथम सप्ताह में होगी, जो मेंस की एग्जामिनेशन होगी जिसमें 50,072 कैंडिडेट पास हुए हैं उनकी मेंस परीक्षा, यहां पर डेट उनको अप्रैल और मई में बता दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपकी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की जो एग्जाम डेट है, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 212 पदों के लिए अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि दोस्तों आप लोगों को यहां पर डेट जो है बता दिया गया अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी को जोर कर देनी है, जैसा कि मैंने बताया कि 2 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और इसकी परीक्षा 4 चरणों में जो है वो करवाई जाएगी। दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, उक्त बातें शुक्रवार को बीपीएससी के विशेष कार्य पदाधिकारी अशोक प्रसाद ने कही है, और जो कार्य पदाधिकारी है अशोक प्रसाद सिंह ने, इन्होंने साफ साफ यहां पर बयान अपना जारी किया है कि जो आपकी ESI की एग्जाम होगी अप्रैल के लास्ट महीने में होगी। तो दोस्तों ये तो जानकारी होगी और दैनिक जागरण जैसी खबर बताई जा रही है, और बीपीएससी के अधिकारी ने स्वयं इस बात को कहा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कम नहीं है, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिल जाएगा। और हां दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, इस
क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आने वाले जो भी अभ्यर्थी है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल एक कमेंट होगा। साथ ही अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो अनअकैडमी पे आप लोगों की क्लासेज जो है चल रही है। अगर ESI की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग अनअकैडमी पे जो है वो पढ़ सकते हैं। आप लोगों को मात्र 140 रुपये में यहाँ पर कोर्सेज जो है अवेलेबल है। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह के अपडेट के लिए आप अनअकैडमी BPSC को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।